क्लास चल रहा था 24/11/1967। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 24/11/1967 वॉज बींग नरेटेड। शुक्रवार को 8वें पेज के 34वीं लाइन में बात चल रही थी। ऑन फ्राइडे वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द 3rd-4th लाइन मीनिंग सेंटेंस ऑन पेज 8। मिसाइल्स बने हैं ना, ये 5000 वर्ष पहले भी बने थे। दीज मिसाइल्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड, दे वर प्रिपेयर्ड 5000 इयर्स अगो एज वेल। जिनसे अनेक धर्म खलास हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। मेनी रिलीजन्स वर डिस्ट्रॉयड एंड द वन रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड विद देम। तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से, ये हम योग बल से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नाउ यू चिल्ड्रन नो वेरी वेल वी आर एस्टेब्लिशिंग अवर एम्पायरशिप थ्रू दिस पावर ऑफ योग। तो हम वॉरियर ठहरे ना। सो वी आर वॉरियर्स aren't we? रूहानी वॉरियर। वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। तुम बच्चे, यू चिल्ड्रन, और कौन से वॉरियर एंड विच वॉरियर्स? किस तरह के वॉरियर है? What kind of warriors? Incognito warrior. Incognito warriors. गुप्त। You are hidden. तो भाई हम हैं गुप्त सेना, रूहानी सेना। So brother, we are the hidden army, the spiritual army. ये बात तो कोई नहीं समझते हैं। No one understands this concept. ये रूहानी सेना के गुप्त वॉरियर से विश्व के मालिक बनेंगे। The hidden warriors of this spiritual army will become the masters of the world. देखो ये ऐसे समझेंगे बच्ची। Look, will they understand this daughter? जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होगा, जो शूद्र होगा, वो तुमको समझ सकेंगे। Will the ones who don't have any knowledge, will a shudra be able to understand you? हाँ, ब्राह्मण होगा तो समझ सकेंगे। Yes, if he is a brahmin, he will be able to understand. वो दुनिया भी ब्राह्मण नहीं। Not those worldly brahmins. ब्राह्मण तो कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद। द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा आर देमसेल्व्स कॉल्ड ब्राह्मिन्स। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की औलाद। इफ देयर इज ब्रह्मा, देयर इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा है ही नहीं तो ब्रह्मा की औलाद कहाँ से? इफ ब्रह्मा इज इन प्रेजेंट एट ऑल, वेयर डज द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा कम फ्रॉम? बताया, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। सो इट वॉज सेड दैट द सेम थिंग हैपेंस इन द शूटिंग पीरियड एज वेल। जिनका ब्रह्मा मौजूद है, दोज हुज ब्रह्मा इज प्रेजेंट, तो वो ब्राह्मण समझ सकेंगे। दोज ब्राह्मिन्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। है, और जिनका है ही नहीं, उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। एंड दोज हुज ब्रह्मा इज इन प्रेजेंट एट ऑल, आस्क देम वेयर इज योर ब्रह्मा, देन दे विल से दैट ही इज इन द सटल वर्ल्ड। दुनिया वाले भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म बतन में रहते हैं। द वर्ल्डली पीपल ऑल्सो से द सेम थिंग, डोंट दे, दैट ब्रह्मा एंड विष्णु रिसाइड इन द सटल वर्ल्ड। तो ब्राह्मण ही समझ सकेंगे। सो इट इज ओनली द ब्राह्मिन्स हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये चार वर्ण तो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इट इज बिकॉज देर आर दीज 4 क्लासेस, ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, aren't there? तो जो शूद्र होगा वो तुमको समझ सकेंगे क्या? So, will a shudra be able to understand you? ब्राह्मण होगा वो समझ सकेंगे क्योंकि? Brahmins will be able to understand because? शूद्र तो कदाच नहीं समझ सकेगा। But shudras will never be able to understand you. और कुछ नहीं समझेगा। And they won't understand anything. ब्राह्मण होगा, उन्होंने तो सुने हैं। If someone is a Brahmin, he has heard some knowledge. समझे ना? You have understood, haven't you? और सो ब्राह्मण भी नंबरवार हैं बहुत। एंड देन देर आर मेनी ब्राह्मिन्स हु आर नंबर वाइज, मीनिंग एट डिफरेंट लेवल्स। नंबरवार क्या है? बहुत। हाउ मेनी आर नंबर वाइज? मेनी। बिना नंबर के? आर सम विदाउट अ नंबर? नंबरवार बहुत हैं। अरे देर आर मेनी हु आर नंबर वाइज। तो बिना नंबर के कितने? देन हाउ मेनी आर विदाउट अ नंबर? कुछ बता नहीं। To the student, अरे you don't know anything. बुद्धि में नहीं आता। It doesn't come to your intellect. अरे बिना नंबर के एक? अरे there is just the one without a number. नंबर वार बहुत। And there are many who are number wise. उनको नंबर वार ही कहेंगे ना? हाँ? They will be called number wise, won't they? Yes. तो बताया। So it was said. किसी ने ये बहुत सुना है।
Has anyone heard this a lot? है? बहुत. A lot. क्या सुना? Heard what? जो बाप सुनाते हैं तो बहुत सुना है. Whatever the father narrates, have you heard it a lot? किसी ने सुन करके फिर गुम होते गए. Some heard it and got lost. तो गुम हो गए तो बहुत सुना फिर. If they got lost, have they heard it a lot? फिर तो बहुत सुनेंगे नहीं. Then they won't hear it a lot. तो वो तो इतना ही समझते हैं ना. So they understand only this much, don't they? कि तुम्हारे में भी जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझने वाला होगा. That the one who understands very nicely, even among you. होगा. The one who understands, होगा. कि होंगे. Or was it said, those who understand, होंगे. जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझने वाला होगा माने एक. The one who understands very nicely, it means it is about one person. तो वो समझते हैं बरोबर कि हम देखो नशा चाहिए ना. So they understand, look, we truly need elation, don't we? तुम बच्चों को नशा चाहिए. You children need the elation. हम भविष्य के लिए योग बल से अपनी ये दैवी राजधानी ड्यूटीज में स्थापन कर रहे हैं. थ्रू द पावर ऑफ योग वी आर एस्टेब्लिशिंग अवर डिवाइन कैपिटल ड्यूटीज फॉर द फ्यूचर. कैपिटल बाबा एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ राजधानी एज राजा की धारणा शक्ति, दैट इज द पावर ऑफ द किंग टू पुट प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस. अभी ऐसा कोई दूसरा होगा बच्चा है? सिवाय ब्राह्मण के जिनको कि वो होगा. Now, will there be any child like this other than a Brahmin who has that elation? होगा क्या? Will there be? ब्राह्मण भी देखो भूल जाते हैं. Look, even the Brahmins forget. नहीं तो अगर ये याद हो वे तो सदैव खुशी में रहे. Otherwise, if they remember this, they will always remain happy. तो वो तो निश्चय है ना. It is because it is faith, isn't it? कि हम निश्चय ही यहाँ अपनी राजधानी स्थापन करेंगे. We will certainly establish our capital here. परंतु भूल जाते हैं. But they forget it. तो जब भूल जाते हैं. So when they forget it. तो क्या बन गए? What did they become? है? याद रहता है कि हमें राजधानी स्थापन करनी है तो ब्राह्मण. When they remember that they have to establish their capital, they are Brahmins. और भूल जाते हैं. And when they forget it, तो शूद्र बन जाते हैं. They become Shudras. जब याद में रहते हैं. When they stay in remembrance, जैसे ब्राह्मण रहते हैं. It is as if they are Brahmins. समझा? You did understand, didn't you? क्योंकि यहाँ भी हो और जा भी रहे हो. It is because you are here and you are also going home. घर बैठे तो यही हो ना. You are here when you are at home, aren't you? नहीं तो तुम्हारा लंगर तो उठा हुआ है इस दुनिया से. Otherwise your anchor of the intellect has been lifted from this world. समझे ना? You did understand, didn't you? तुम तो बहुत नजदीक आकर के वो पड़े हो. You have come very near and are waiting. अपनी नई दुनिया के लिए पड़े हो. You are waiting for your new world. क्योंकि नई दुनिया अभी तो आएगी. It is because the new world will certainly arrive now. आएगी तो जरूर. It will definitely arrive. ये सत्य ये कलयुग के बाद सतयुग आएगा. This golden age will arrive after the iron age. तो आएगा तो जरूर ना. So it will definitely come, won't it? क्योंकि गाते हैं ना ये चार ही पांचो युग. It is because it is praised that these 4 to 5 ages. चार बड़े बड़े और एक छोटा. There are 4 long ages and 1 short age. जिसको पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस युग कहें. It is called the elevated confluence age. मिडगेट उसको कहेंगे. It will be called midget. हाँ छोटा समझा ना. Student comments. Yes, short. You did understand, didn't you? युग तो है ना. It is certainly an age, isn't it? तो छोटा युग है बरोबर. So, in truth, it is a small age. और बाप तो इतना नहीं बैठेगा ना. And the father won't sit so long, will he? कौन सा बाप? Which father? कितना छोटा युग है. How small is the age? ज्यादा से ज्यादा 100 साल बताए. It was said, it is of 100 years at the most.
और बाप तो इतना नहीं बैठेगा ना, कौन सा बाप? एंड द फादर वोंट सिट सो लॉन्ग विल ही, विच फादर? हाँ, स्टूडेंट रिप्लाइज यस, शिव बाप है, वो तो इतना नहीं बैठेगा ना। द फादर शिव वोंट सिट सो लॉन्ग विल ही, क्यों? व्हाई? वो इतना क्यों नहीं बैठेगा, 100 साल? व्हाई वोंट ही सिट सो लॉन्ग, दैट इज 100 ईयर्स। तुम्हारी राजधानी कब स्थापन हो जाएगी? व्हेन विल योर कैपिटल बी एस्टैब्लिश्ड? राजधानी स्थापन हुई, द कैपिटल इज एस्टैब्लिश्ड। बना, बाप आया ही किस लिए? इट मीन्स व्हाई हैज द फादर कम? राजधानी स्थापन करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द कैपिटल। नई दुनिया की तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई, बस फिर तो दुनिया में कोई हस्ती नहीं है, कोई धर्म का ऐसा संगठन नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, टक्कर ले सके। As soon as your capital of the new world is established, that's all. Then there is no personality, no religious gathering in the world that can compete you, that can confront you. तो बाप फिर बैठे रहेंगे? So, will the father keep sitting here after that? कब स्थापन होगी तुम्हारी नई राजधानी? When will your new capital be established? हाँ, अरे इतनी देर? To the student, अरे you are taking so much time. 28 में स्थापन हो जाएगी। स्टूडेंट कमेंट्स, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन 28। अच्छा अच्छा, तो जो बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को उत्तम प्रधान से सतो प्रधान बनने में। देन इट वॉज सेड दैट यू चिल्ड्रन टेक 40 to 50 ईयर्स टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। तो फिर 40 किसके लिए बोले? देन फॉर हुम वर द 40 ईयर्स मेंशन्ड? क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतना मार्जिन बताई दिया 10 साल का, 40 से 50। इट इज बिकॉज द मार्जिन ऑफ दिस 10 ईयर्स फ्रॉम 40 to 50 ईयर्स वॉज मेंशन्ड फॉर यू चिल्ड्रेन। तो बच्चे तो नंबरवार है ना? सो द चिल्ड्रेन आर नंबर वाइज एंड दे। 40 वर्ष किसके लिए बोले? फॉर हू वर 40 ईयर्स मेंशन्ड? एक वो कब पूरे होते हैं? स्टूडेंट कमेंट्स, फॉर वन व्हेन आर दे कम्प्लीटेड? 18 हो गया पूरा। स्टूडेंट रिप्लाइज, 18, नाउ 18 इज ओवर। 18 तो हो गया। 18 इज इंडीड ओवर। तो ओ, 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 तो जो जिसकी राजधानी समझता है कि स्थापन हो गई, धारणा शक्ति उसकी स्थापन हो गई। सो द वन हु थिंक्स दैट हिज कैपिटल, हिज धारणा शक्ति इज एस्टैब्लिश्ड, धारणा शक्ति मीनिंग द पावर ऑफ धारणा। तो हो गई कि हिल जुल रही है? इज इट एस्टैब्लिश्ड और इज इट शेकिंग एंड क्विकिंग? धारणा शक्ति स्थापन हो जाएगी तो हिलेगी डुलेगी। When the धारणा शक्ति इज एस्टैब्लिश्ड, विल इट शेक एंड क्विक? कौन सा संगठन पहले बनेगा? विश गैदरिंग विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट। है रुद्रमाला पहले बनेगी? रुद्रमाला विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट। तो रुद्रमाला में जो जो रुद्र होगा, स्पेशल रुद्र का पार्ट होगा अब्बल नंबर। सो रुद्र इन द रुद्रमाला द स्पेशल पार्ट ऑफ द नंबर वन रुद्र। तो उसकी उसकी सहयोग देने वाली कोई पावर होगी या नहीं होगी? विल देयर बी सम पावर टू सपोर्ट हिम और नॉट? राजा की धारणा शक्ति होती है। देयर इज अ धारणा शक्ति ऑफ द किंग। माला तो संगठन तो तभी बनेगा, संगठन बना माने राजधानी स्थापन हो गई। इट इज ओनली देन दैट द रोजरी द गैदरिंग विल बी फॉर्म्ड। इफ द गैदरिंग इज फॉर्म्ड इट मीन्स दैट द कैपिटल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? यस, सो हु इज शोन इन द पाथ ऑफ भक्ति? विजयमाला। विजयमाला कब निकलेगी? स्टूडेंट रिप्लाइज, विजयमाला, व्हेन विल द विजयमाला कम? विजयमाला की जो राजधानी है, राजा की धारणा शक्ति, वो कौन? हु इज द कैपिटल द धारणा शक्ति ऑफ द किंग ऑफ द विजयमाला? और रुद्रमाला की राजधानी धारणा शक्ति कौन? एंड हु इज द कैपिटल द धारणा शक्ति ऑफ द रुद्रमाला? है हाँ, तो फिर तैयार हो गई? स्टूडेंट कमेंटेड, यस, सो देन इज शी रेडी? अभी कहते नहीं तैयार हो गई, अभी कहते तैयार हो गई, 18 में तैयार हो गई। टू द स्टूडेंट्स, नाउ यू से शी इज इन रेडी, राइट नाउ यू वर सेइंग शी इज रेडी, शी हैज बीन रेडी सिंस 18। माला तैयार हो गई? अच्छा, द रोजरी इज रेडी? अच्छा, छोटे में छोटी माला तैयार हो गई? इज द स्मॉलेस्ट रोजरी रेडी? अरे छोटी भी माला तो वो जो बनेगी
वो भी तो राजधानी हो गई ना। अरे द स्मॉलेस्ट रोजरी दैट विल बी फॉर्म्ड इज ऑल्सो द कैपिटल इजंट इट। तो जो छोटी माला बनी राजधानी तैयार हो गई, तो उस राजधानी को भी संगठित करने के लिए कोई न कोई धारणा शक्ति एक चाहिए कि नहीं चाहिए। सो द स्मॉल रोजरी दैट वॉज फॉर्म्ड द कैपिटल दैट बिकेम रेडी इससे मोर अदर धारणा शक्ति रिक्वायर्ड टू गैदर इवन दैट कैपिटल और नॉट। अरे भाई श्रीनाथ दरबारे में जाओ तो वहाँ दिखाते हैं ना। अरे ब्रदर व्हेन यू गो टू द कोर्ट ऑफ श्रीनाथ इट इज शोन देयर इजंट इट। श्रीनाथ मीनिंग अ टेम्पल डेडिकेटेड टू कृष्ण इन वेस्टर्न इंडिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ तो वहाँ भी दिखाते हैं। इफ यू गो टू द टेम्पल ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण इट इज शोन देयर एज वेल। साथ में धारणा शक्ति दिखाते हैं कि नहीं, लक्ष्मी दिखाते हैं ना है? इज द धारणा शक्ति शोन अलोंग विद नारायण और नॉट? लक्ष्मी इज शोन इजंट शी। श्रीनाथ दरबारे में जाओ तो कृष्ण के साथ कौन दिखाते हैं? राधा दिखाते हैं ना। इफ यू गो टू द कोर्ट ऑफ श्रीनाथ हु इज शोन अलोंग विद कृष्ण? राधा इज शोन इजंट शी। तो ऐसे ही और कौन सा रह गया? सिमिलरली हु इज लेफ्ट? श्रीनाथ दरबार पश्चिम की यादगार, पश्चिमी सभ्यता की। द कोर्ट ऑफ श्रीनाथ इज द मेमोरियल ऑफ द वेस्ट द वेस्टर्न कल्चर। फिर पूर्वी सभ्यता की कोई यादगार है जगन्नाथ? देन इज देयर एनी मेमोरियल ऑफ द ईस्टर्न कल्चर? जगन्नाथ मीनिंग लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अ टेम्पल इन ईस्टर्न इंडिया। तो उनकी धारणा शक्ति कौन है साथ में? सो हु इज द धारणा शक्ति अलोंग विथ हिम? नकल कर लो। टू द स्टूडेंट यू मे कॉपी मीनिंग चीट। मना नहीं है नकल करने की। कॉपिंग इज इंट प्रोहिबिटेड। हाँ बताओ। यस टेल मी। वो धारणा शक्ति सुभद्रा तैयार हो गई? इज द धारणा शक्ति सुभद्रा रेडी? सुभद्रा सिस्टर ऑफ जगन्नाथ। कि अभी भी संशय बुद्धि? और डज शी स्टिल हैव अ डाउटिंग इंटेलेक्ट? संशय आते रहते हैं, माया लोड़े लगाती रहती है। डज शी स्टिल हैव डाउट्स एंड माया कीप्स क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स? अरे भाई। अरे ब्रदर। संशय बुद्धि विनश्यते होता है। द वन विद अ डाउटिंग इंटेलेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो जैसे राजधानी विनाश हो गई नहीं, स्थापन हुई। सो इट इज एज इफ द कैपिटल इज डिस्ट्रॉयड इट वॉजंट एस्टेब्लिश्ड। और निश्चय बुद्धि विजयते होता है। एंड द वंस विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट गेन विक्ट्री। तो निश्चय बुद्धि बन जाए धारणा शक्ति। सो इफ द धारणा शक्ति बिकम्स द वन विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट तो विजय सामने खड़ी है कि नहीं? इज विक्ट्री अहेड और नॉट? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे बोला ना। इट वॉज सेड विक्ट्री इज योर बर्थ राइट वॉजंट इट। तो फिर बताओ वो 18 का टाइम है और आगे बढ़ाएंगे। सो टेल मी इज इट 18 और विल यू एक्सटेंड इट फर्दर? है वो 28 का टाइम है रुद्रमाला की धारणा शक्ति निकलने का। स्टूडेंट कमेंट्स इज 28 द टाइम फॉर द धारणा शक्ति ऑफ द रुद्रमाला टू कम आउट? अच्छा फिर विजयमाला का कौन सा होगा? अच्छा देन व्हाट विल इट बी फॉर द विजयमाला? वो 28 का 2028 का। इट इज 2028। तो 2028 फिर लक्ष्मी लिख दिया। टू द स्टूडेंट यू हैव रिटन 2028 फॉर लक्ष्मी। अरे अरे अच्छा ये बताओ। अरे टेल मी दिस। जो रुद्रमाला का जो वो भी मणका है जो आत्मा है वो तो क्लियर है? इज द बीड द सोल ऑफ द रुद्रमाला क्लियर मीनिंग रिवील्ड? जो है ही इज। वो ज्ञान में कब निकली? When did it come in knowledge? ये ज्ञान कब पैदा हुआ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु? When did this knowledge come in the intellect? I the soul am a point of light. और मेरा बाप ज्योति बिंदु? And my father is a point of light. 5 दिसंबर है 1900। 5th December 1900। कितना? 69। हाँ। How much? 69. Yes. तो उसमें कितने साल जोड़े गए? So How many years should be added to it? है 50 साल जोड़े जाए। 50 years should be added. 50 साल जोड़े जाए। If 50 years are added, तो ये जो 40 से 50 बताए ना तुम बच्चों के लिए तो वो पूरा हो जाता है। Then these 40 to 50 years that were mentioned for you children are completed. हाँ तो उस हिसाब से क्या टाइम कौन सा आता है? So which time arrives according to it? हाँ 2019 5 दिसंबर आता है। स्टूडेंट रिप्लाइज यस 5th December 2019। क्यों उससे पहले? और इज इट बिफोर दैट? जो हिलती डुलती राजधानी है वो पहले तैयार हो जाएगी। विल द कैपिटल दैट इज शेकिंग एंड क्विकिंग
गेट रेडी फर्स्ट। बाबा तो कहते जो आठ हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। इन फैक्ट बाबा सेज दैट द एट डीटीज गो अप एंड डाउन द मोस्ट। रुद्रमाला में भी तो विजयमाला में भी होंगे। इफ दे डू इन द रुद्रमाला दे वुड बी इन द विजयमाला टू। होंगे कि नहीं? विल दे ऑर नॉट? तो रुद्रमाला में जो आठ हैं उनमें पहला नंबर जो होगा द वन हू इज द फर्स्ट नंबर अमंग द एट इन द रुद्रमाला। ऐसे तो नौ है। वेल देर आर एक्चुअली नाइन। नौ में पहले नंबर को छोड़ दो। लीव द नंबर वन फ्रॉम अमंग द नाइन। आठ रह गए। देन एट आर लेफ्ट। तो जो आठ है उनमें जो पहला नंबर है सो द वन हू इज द फर्स्ट नंबर अमंग द एट। राजा की धारणा शक्ति। धारणा शक्ति ऑफ द किंग। तो उसका टाइम कितना है? व्हाट इज द टाइम फॉर हर? 2018 है कि 2019? इज इट 2018 और 2019? हाँ 2019 साबित होता है। स्टूडेंट रिप्लाइड यस इट इज प्रूफ टू बी 2019। तो बताया बाप तो इतना नहीं बैठेगा। सो इट वॉज सेड दैट द फादर वॉन्ट सिट दिस लॉन्ग। कितना माने कितना? दिस लॉन्ग मीन्स हाउ लॉन्ग। कितना नहीं बैठेगा? हाउ लॉन्ग वॉन्ट इज इट? 100 साल। स्टूडेंट रिप्लाइज 100 ईयर्स। 100 साल नहीं बैठेगा तो कितना बैठेगा? इफ यू वॉन्ट सिट फॉर 100 ईयर्स हाउ लॉन्ग विल ही सिट? अरे कि चला गया। अरे और इज ही गॉन? हाँ। स्टूडेंट रिप्लाइज यस। जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। जस्ट एज दोस ब्रह्मा कुमार कुमारी थिंक। क्या? व्हाट? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के तन में शिव बाबा आया। शिव बाबा केम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज। हाँ और 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया तो चला गया। एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 18 जनवरी 1969 सो ही लेफ्ट। हे 3-4 दिन के बाद गुलजार दादी में प्रवेश करके फिर आया और वाणी चलाना शुरू कर दिया। देन ही एंटर्ड दादी गुलजार एंड केम बैक आफ्टर 3-4 डेज एंड स्टार्टेड नरेटिंग द वाणी। तो उन्होंने समझिए ये शिव बाबा है फिर से आ गया। सो दे थॉट ही शिव बाबा हिमसेल्फ ही हैज कम अगेन। चलो अभी वो भी चला गया। ऑल राइट नाउ इवन ही इज गॉन। वो आया अभी 1 साल से। हैज ही कम फॉर 1 ईयर नाउ? आया ही नहीं। ही हैजंट कम एट ऑल। तो वो भी चला गया। सो ही हैज ऑल्सो लेफ्ट। तो क्या समझा जाए? सो व्हाट शुड बी कंसिडर्ड? कि बाप चला गया। हैज द फादर लेफ्ट? बाप को कब जाना है? बाप किस लिए आया? और धर्म पिताएं आते हैं। व्हेन विल द फादर लीव? व्हाई डिड द फादर कम? द अदर रिलीजियस फादर्स कम। वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। धर्म की धारणा है। दे कम टू एस्टेब्लिश देयर रिलीजन। द धारणा ऑफ देयर रिलीजन है। कोई राजधानी स्थापन थोड़ी करके जाते हैं। दे सर्टनली डोंट एस्टेब्लिश अ कैपिटल बिफोर गोइंग। और ये बाप? एंड व्हाट अबाउट दिस फादर? ये बाप तो तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाएगा। दिस फादर विल लीव आफ्टर एस्टेब्लिशिंग योर कैपिटल। कैसी राजधानी? व्हाट काइंड ऑफ अ कैपिटल? चलो बड़ी से बड़ी राजधानी नहीं, नई दुनिया की। ऑल राइट नॉट द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द न्यू वर्ल्ड। छोटी सी छोटी राजधानी, छोटा सा छोटा संगठन माला का बना के जाएगा। ही विल लीव आफ्टर क्रिएटिंग द स्मॉलेस्ट कैपिटल द स्मॉलेस्ट गैदरिंग ऑफ द रोजरी। तो जो छोटे से छोटा संगठन है सो द स्मॉलेस्ट गैदरिंग। पहले तो रुद्रमाला का बनेगा ना। इट इज द गैदरिंग ऑफ द रुद्रमाला दैट विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट इजंट इट। तो रुद्रमाला के संगठन में उसमें जो राजा और राजा की धारणा शक्ति। सो इट इज अबाउट द किंग एंड द धारणा शक्ति ऑफ द किंग इन द गैदरिंग ऑफ द रुद्रमाला। तो उसका टाइम फिक्स हुआ कि नहीं? सो इज द टाइम फॉर दैट फिक्स्ड और नॉट? क्या 5 दिसंबर 2019? व्हाट 5 दिसंबर 2019? है इससे ज्यादा गुंजाइश तो है ही नहीं। देयर इज नो मार्जिन फर्दर देन दैट एट ऑल। तो भले बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ऑल दो इट वॉज सेड इट टेक्स 40-50 ईयर्स फॉर यू चिल्ड्रेन टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। तो तुम बच्चों में तो वो भी आ गया। इवन ही इज इंक्लूडेड इन यू चिल्ड्रेन। कौन? हु? जो राजा है और राजा की धारणा शक्ति है वो आ गए कि नहीं? द वन हु इज द किंग एंड द धारणा शक्ति ऑफ द किंग आर दे इंक्लूडेड और नॉट? वो आ गए। दे आर। तो हिल हिल आठ ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है आठ को? सो आर द एट शेकिंग एंड क्विकिंग अ लॉट और नॉट? है नौ में से जो आठ हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। द एट अमंग द नाइन आर गोइंग अप एंड डाउन अ लॉट। जब ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनका टाइम
कब से शुरू होगा? When they are going up and down, when will their time begin? जो बोला एक भी ग्रुप पावरफुल तैयार होने पर। It was said about it. When even one powerful group gets ready. क्योंकि ग्रुप का मुखिया तैयार होगा। It is because if the chief of the group becomes ready. तो फिर जो उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं वो प्रजा तो जल्दी तैयार हो जाती है। The subjects who follow become ready quickly. राजा के बनने में तैयार हो तब देरी लगती है कि प्रजा बनने में देरी लगती है। Does it take time for the king to become ready or for the subjects to become ready? राजा बनने में ज्यादा मेहनत है, देरी लगती है। It takes more hard work and time for the king to become ready. तो फिर बताओ। So then tell me. है तो छोटे युग को तो आयु दी जाती है। So the small age is given a time. है बताया 75 से 100 साल। That was said to be 75 to 100 years. इससे ज्यादा नहीं। No more than that. तो 100 वर्ष का मतलब अंदर देना पड़ेगा। So it means he will have to give it within 100 years. क्या? What? राजधानी देनी पड़ेगी। He will have to give the capital. क्या देनी पड़ेगी? What will he have to give? बाप किस लिए आया है? Why has the father come? राजधानी तैयार करके तुम्हें सौंपने के लिए आया है ना? The father has come to prepare the capital and hand it over to you, hasn't he? तो राजधानी देनी पड़ेगी। So he will have to give the capital. तो वो तो 100 वर्ष के अंदर। So within 100 years. मना वो तो 2029 से तैयार होता है। It means it gets ready in 2029. इधर 19 तो उधर कितना? When it is in 19 here, when is it there? उधर 29, 10 साल के बाद। There it is in 29, after 10 years. तो complete राजधानी किसे कहेंगे? So which one will be called the complete capital? रुद्रमाला के संगठन को कंप्लीट कहेंगे। विल बी कॉल्ड द गैदरिंग ऑफ द रुद्रमाला कंप्लीट। यह रुद्रमाला विजयमाला में ऐड हो गए, प्रवृत्ति मार्ग की माला बने तो राजधानी कंप्लीट कहेंगे। और व्हेन द रुद्रमाला इज एडेड टू द विजयमाला एंड द रोजरी ऑफ द हाउसहोल्ड पार्ट गेट्स रेडी विल इट बी कॉल्ड द कंप्लीट कैपिटल। प्रवृत्ति मार्ग की माला बने व्हेन द रोजरी ऑफ द हाउसहोल्ड पार्ट गेट्स रेडी तब कहेंगे कंप्लीट राजधानी तैयार हुई। It will be said that the complete capital became ready. क्योंकि बाप आए ही हैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। It is because the father has come to establish the household path itself. देवताएं प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, निवृत्ति मार्ग के होते हैं। Do the deities belong to the household path or to the path of renunciation? प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। They belong to the household path. तो बताया भले 100 वर्ष लग जाते हैं। So it was said that although it takes 100 years. परंतु बताया बाप तो नहीं बैठेगा इतना। It was said that the father won't sit this long. क्या? What? कि 2029 के बाद भी बैठेगा। Will he sit even after 2029? कौन सा बाप? Which father? सुप्रीम सोल बाप तो नहीं बैठेगा। The supreme soul father certainly won't sit. जबकि ये सभी खत्म हो जावे। When all of this finishes. है? क्या खत्म हो जाए? What is finished? ये सभी क्या? What is all of this? हाँ। स्टूडेंट रिप्लाइज यस। अनेक धर्म जो हैं ब्राह्मणों की दुनिया में है। द न्यूमरस रिलीजन्स इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड। जो बताया कि 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। फॉर विच इट वॉज सेड दैट द 8 किंगशिप्स विल बी क्लियरली विजिबल। बोला कि नहीं? वॉज इट सेड और नॉट? बाहर की दुनिया की बात बताई कि अंदर की दुनिया की बात बताई? अंदर की बात बताई। वॉज अ टॉपिक ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड मेंशनड और वॉज समथिंग अबाउट द इंटरनल वर्ल्ड मेंशनड? It was mentioned about the internal world. तो बताया ये सब खत्म हो जाने। So it was said that all this will be finished. तब ही नई दुनिया बने। It is then that the new world will be created. और फिर आवत जावत भी हो। And then there will be coming and going as well. क्या? What? जाने वाले जाएंगे। The ones who have to leave will leave. और आने वाले नई दुनिया के संगठन में आएंगे। And the ones who have to come in the gathering of the new world will come. क्योंकि यहाँ तो गए न राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। It is because here it is sung राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, meaning राम departed, रावण who had a big family departed. जो रावण की दुनिया है वो भी गई। The world of Ravan ended. और राम की दुनिया वो भी। And the world of Ram that also. राम की दुनिया रुद्रमाला की है के विजयमाला की है? इज द वर्ल्ड ऑफ राम ऑफ द रुद्रमाला और द विजयमाला?
राम की दुनिया है स्पेशल, राम सीता दोनों की नहीं बताई। द वर्ल्ड ऑफ राम स्पेसिफिकली इट वॉज इन सेड द वर्ल्ड ऑफ बोथ राम एंड सीता। हाँ, राम माने रुद्र शंकर। यस, राम मीन्स रुद्र शंकर। तो उनकी दुनिया में जो दूसरे दूसरे धर्म के द्वैतवादी घुसे पड़े हैं, द ड्यूअलिस्टिक पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स हु हैव इंट्रूडेड इन देयर वर्ल्ड। द्वैतवादी माने दूसरी बात जरूर पैदा करेंगे, एक की बात नहीं मानेंगे। ड्यूअलिस्टिक मीन्स दे विल सर्टेनली रेज अनदर पॉइंट, दे वॉन्ट एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ द वन। फौरन काटेंगे। दे विल कॉन्ट्रेडिक्ट इट इमीडिएटली। तो वो जाएंगे सब की नहीं जाएंगे? सो विल ऑल ऑफ देम गो टू द कैपिटल और नॉट? नहीं जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट रिप्लाइज दे वोंट। अच्छा, वो जाएंगे नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी? इफ दे डोंट गो हाउ विल द कैपिटल बी क्रिएटेड? और पहला ग्रुप तो कैसे तैयार होगा? एंड हाउ विल द फर्स्ट ग्रुप बिकम रेडी? चलो जगन्नाथ को दिखाते हैं। ऑल राइट, दे शो जगन्नाथ। कि जगन्नाथ के साथ कौन कौन है? हु आर शोन विथ हिम? कौन कौन है जगन्नाथ के साथ? हु आर शोन विथ हिम? हाँ, स्टूडेंट रिप्लाइड यस, सुभद्रा है और देर इज सुभद्रा एंड और बलभद्र है, बलराम है। एंड देर इज बलभद्र मीनिंग ब्रदर ऑफ जगन्नाथ, इट इज बलराम। तो बलभद्र कहो या बलराम कहो? कॉल हिम बलभद्र और बलराम। या जिसे रामायण में लक्ष्मण कह दिया। और द वन हू हैज बीन कॉल्ड लक्ष्मण इन द रामायण, वो तो दो भक्ति मार्ग में भी दिखाया हुआ, किसका अवतार? इट इज ऑल्सो बीन शोन इन द पाथ ऑफ भक्ति हुज इंकार्नेशन वॉज ही। भक्ति मार्ग में दिखाया शेषनाग का अवतार। इन द पाथ ऑफ भक्ति ही हैज बीन शोन एज द इंकार्नेशन ऑफ शेषनाग, ए सेवन हुडेड कोबरा ऑन विच विष्णु रिक्लाइंस। वो तो नाग है क्या? ही इज इनफैक्ट अ कोबरा। व्हाट? हाँ, वो तो गले पड़ा हुआ है। स्टूडेंट रिप्लाइड यस, ही हैज फॉलन अराउंड द नेक, लिटरली टू बी ऑब्लिगेटरी टू फोर्स वनसेल्फ ऑन समवन। गले पड़ गया कि नहीं? हैज ही फॉलन अराउंड द नेक और नॉट? हाँ, वो गले पड़ा हुआ, वासुकी नाग कहते हैं ना? यस, ही हैज फॉलन अराउंड द नेक, ही इज कॉल्ड वासुकी नाग, इजंट ही? वासुकी नाग किंग ऑफ स्नेक्स शोन अराउंड द नेक ऑफ शंकर। वो गले पड़ा हुआ है, वो गले छोड़ेगा क्या? ही हैज फॉलन अराउंड द नेक, सो विल ही लीव? वो नहीं छोड़ने वाला, ही इज इन गोइंग टू लीव। तो वो एक हो गया जगन्नाथ, दूसरा हो गया शेषनाग माना बलभद्र। सो वन इज जगन्नाथ, द सेकंड इज शेषनाग मीनिंग बलभद्र। और तीसरा हो गई हम दोनों की बहन। एंड द थर्ड वन इज द सिस्टर ऑफ बोथ ऑफ देम। क्या? सुभद्रा। व्हाट? सुभद्रा। तो उनमें ज्यादा धारणा शक्ति तीनों में से किस में कहेंगे? सो हु विल बी सेड टू हैव मोर धारणा शक्ति अमंग द थ्री? जिसमें धारणा शक्ति होगी वो ही राजधानी स्थापन करने के विशेष सहयोगी बनेगी। इट विल बी सेड दैट द वन हु हैज मोर धारणा शक्ति विल बिकम अ स्पेशल सपोर्टर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैपिटल। हाँ, सुभद्रा। स्टूडेंट रिप्लाइज यस, सुभद्रा। सु माने सुंदर, भद्रा माने कल्याणकारी। सु मीन्स ब्यूटीफुल एंड भद्रा मीन्स बेनिफिशियल। सुंदर से सुंदर रीति से जो कल्याणकारी बने उसका नाम सुभद्रा। द वन हू बिकम्स बेनिफिशियल इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे हर नेम इज सुभद्रा। लेकिन वो क्या प्रवृत्ति मार्ग हुआ? बट इज इट द हाउस होल्ड पाथ? प्रवृत्ति मार्ग नहीं हुआ। अच्छा, स्टूडेंट रिप्लाइज इजंट इट द हाउस होल्ड पाथ? अच्छा, भाई बहन को प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे? वोंट द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर वी कॉल द हाउस होल्ड पाथ? लो एन हिंदी एक्सप्रेशन सेड व्हेन समवन हियर्स एन अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग आंसर। भाई बहन को प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे? वोंट द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर बी कॉल्ड द हाउस होल्ड पाथ? अगर अम्मा घर में परिवार में मर जाए। इफ द मदर इन अ होम और अ फैमिली डाइज न रहे। इफ शी इज इन देयर तो बड़ी बहन माँ के समान नहीं होती है? इज इन द एल्डेस्ट सिस्टर इक्वल टू द मदर? परिवार में नहीं होती। इज इन शी अ पार्ट ऑफ द फैमिली? उसको परिवार का बंदा नहीं मानेंगे। वोंट शी बी कंसिडर्ड अ फैमिली मेंबर? तो वो घर संभाल सकती है कि नहीं? सो कैन शी मैनेज द हाउस और नॉट? नहीं संभाल सकती। कांट शी मैनेज इट? शी कैन। तो ऐसे ही ये राजधानी जो है राजा की धारणा शक्ति, तो वो रुद्रमाला में कौन हुआ? सो सिमिलरली हु इज द कैपिटल
द धारणा शक्ति ऑफ द किंग इन द रुद्रमाला? सुभद्रा। सुभद्रा, तो उसको संगठन बनाना ही बनाना है। सो शी सर्टेनली हैज टू फॉर्म द गैदरिंग। संगठन कैसे बनता है? हाउ इज द गैदरिंग फॉर्म्ड? सहनशीलता से बनता है या सामना करने की ताकत से बनता है? इज इट फॉर्म विद टॉलरेंस और विद द पावर टू कन्फ्रंट? सहनशीलता से बनता है। इट इज फॉर्म विद टॉलरेंस। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। यूनिटी इज फॉर्म थ्रू प्योरिटी। जितनी प्योरिटी होगी उतनी प्योरिटी से यूनिटी बनाएगा। द मोर समवन हैज प्योरिटी द मोर ही कैन मेक यूनिटी थ्रू प्योरिटी। सहयोग देगा। एंड ही विल गिव कोऑपरेशन। सहन शक्ति के आधार पर सहयोग लेना और सहयोग देना होता है। गिविंग एंड रिसीविंग कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ टॉलरेंस। तो बताया। सो इट वॉज सेड के ये जो रुद्रमाला है वो भले कहा जाता है के जगन्नाथ का परिवार तो है। दैट ऑल्दो दिस रुद्रमाला इज सेड टू बी द फैमिली ऑफ जगन्नाथ। और जगन्नाथ के परिवार में बाहें नहीं दिखाई गई हैं। एंड आर्म्स हैवंट बीन शोन इन द फैमिली ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ को बाहें दिखाई जाती हैं? इज जगन्नाथ शोन विद आर्म्स? भुजाएं दिखाई जाती हैं। आर आर्म्स शोन? भुजाएं नहीं दिखाई जाती, क्यों? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस आर्म्स आरंट शोन, व्हाई? उनकी जो माला है ना, उस माला में जितने रुद्रगण हैं, वो सारे ही कौन से धर्म के? बाप कौन से धर्म का है? ऑल द रुद्रगण सीन इज रोजरी, विच रिलीजन डू दे बिलोंग टू? रुद्रगण, द फॉलोवर्स ऑफ रुद्र। टू विच रिलीजन डज द फादर बिलोंग? बाप क्या बन करके आया हुआ है? द फादर हैज कम बिकमिंग व्हाट? स्वदेशी की विदेशी? स्वदेशी और विदेशी। जब बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है तो सारे ही मण के क्या हुए? When the father himself has come as a विदेशी, what are all the weeds? विदेशी हुए ना? They are विदेशी, aren't they? उनमें जो सहयोगिनी शक्ति विशेष है, बहन सुभद्रा। Among them, the special supporting power, his sister Subhadra. उसको क्या स्वदेशी कहें? Can we call her स्वदेशी? क्यों? Student replies, why? क्यों नहीं कहें? Why can't we call her that? क्योंकि कन्या है तो कन्या को अपने घर में रखा जाएगा। It is because when she is a maiden, if she is kept in her home. मुसल्ले क्या करते थे मुसलमान? What did the Muslims used to do? मुसलमान सम्राट होते थे ना? There were Muslim kings, weren't there? हुए ना मुगल बादशाह? There were Mughal emperors, weren't there? तो उन्होंने अपनी कन्याओं को कहीं किसी को शादी की? Did they marry their daughters to anyone? शादी नहीं की, अब आपने घर में ही रखा। They didn't. They just kept them in their house. तो ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म हुआ क्या? So, is it the religion of the household path? वो तो प्रवृत्ति निभाना ही नहीं जानते, बनाना ही नहीं जानते। They don't know how to maintain a household at all. They don't know how to form one either. और यहाँ देवी देवता सनातन धर्म में तो? And here, in the ancient deity religion. प्रवृत्ति निभानी भी है और पहले बनानी भी है। You have to maintain the household. You have to form it in the first place. तो रुद्रमाला तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक विजयमाला के मणकों के साथ क्या ऐड न की जाए। So, the Rudramala isn't complete until it is what? Added to the beads of the Vijayamala. उनके साथ सट्टा जोड़ी ना। Until they are grouped together. ऐसे ही है। It is a similar situation here. जो आठ हैं, जो नौ हैं, जिनका संगठन रूपी माला बनती है। The eight, the nine beads whose rosary in the form of a gathering is formed. जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है पहला पहला संगठन। The rosary that is shown on the head of Shiv, the very first gathering. तो वो सब एक धर्म के पूर्वज हैं। Are all of them the ancestors of one religion? या अलग अलग धर्मों के पूर्वज? Or are they the ancestors of different religions? पूर्वज माने सबसे पहले जन्म लेने वाला, उससे पहले जन्म लेने वाला उस ग्रुप में कोई भी और न निकले। Ancestor means the one who is born first of all. There should be no one who is born before him in that group. जैसे आत्माओं के बीच में कहते हैं परमपिता। Just like among the souls we say the supreme father. तो शिव हुआ ना? So it is Shiv, isn't it? है? ऐसे ही है मनुष्य सृष्टि के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला परमात्मा है तो प्रजापिता हुआ ना? Similarly, it is प्रजापिता who is the supreme soul.
the one who plays the supreme part in the human world, isn't it? ऐसे ही इस्लामियों में प्रजापिता कौन हुआ? In the same way, who is Prajapita among the people of Islam? जिसका पिता इस्लामियों में कोई नहीं. The one who has no father among the Islamic people. किसको कहेंगे? Who will it be said to be? Abra. Student replies, Abra. मणका, third मणका. The bead, the third bead. इब्राहिम का जो बीज है ना रुद्रमाला में. Student replies, Yes, the one who is the seed of Abraham in the Rudramala. हाँ, तो वो इब्राहिम का बीज वो है थर्ड मणका. So, the seed of Abraham is the third bead. Second भी कोई होगा कि नहीं? Will there be a second bead as well or not? कौन? Who? चंद्रवंश का बीज. The seed of चंद्रवंश. तो जो चंद्रवंश का बीज है वो विजयमाला में दूसरे नंबर के मणके के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? So, will the one who is the seed of चंद्रवंश combine itself with the second bead of the विजयमाला or not? प्रवृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? Will the household be formed or not? बनेगी. It will. तो तब कही जाएगी कंप्लीट प्रवृत्ति. Only then will it be called the complete household. क्यों? Why? क्योंकि ये तो सारे ही आत्मा आत्मा भाई भाई हैं. इट इज बिकॉज आर ऑल द सोल्स ब्रदर्स अमंग ईच अदर. के वास्तव में कोई भाई बहन है? और आर दे ब्रदर एंड सिस्टर इन रियलिटी? शिव वंशी हैं या ब्रह्मा वंशी हैं? पहले क्या है? आर दे शिव वंशी और ब्रह्मा वंशी? शिव वंशी मीनिंग द वन हू बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ शिव. ब्रह्मा वंशी मीनिंग द वन हू बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ ब्रह्मा. What are they first? शिववंशी कहेंगे ना? हाँ. We will call them शिववंशी, won't we? Yes. तो शिववंशियों में तो कोई भी बहन और बेटी का सवाल तो हो ही नहीं सकता. So, there can't be any question of the presence of a sister or a daughter among the शिववंशीज at all. ये सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं. All of them are souls who are brothers among each other. और ये प्रवृत्ति मार्ग पक्का नहीं कहेंगे. एंड इट वोंट बी कॉल्ड द परफेक्ट हाउसहोल्ड पाथ. पक्का कब कहेंगे? व्हेन विल वी कॉल इट द परफेक्ट हाउसहोल्ड? जबकि जो घर में रहने वाला है वो घर में रहे. व्हेन द वन हू हैज टू स्टे इन द हाउस स्टेज देयर. जो बेटा होता है वो घर में रहता है और बेटी? अ सन स्टेज होम एंड द डॉटर. बेटी कहाँ जाती है? तो पराई घर में जाती. वेयर डज द डॉटर गो? शी गोज टू समवन एल्सस हाउस. दिखाया रुद्रमाला में वो जो दूसरा मणका है जिसको सुभद्रा कहा. सो इट वॉज शोन दैट द सेकेंड बीड ऑफ द रुद्रमाला हु इज कॉल्ड सुभद्रा. उसको जाना तो है ही ना पक्की प्रवृत्ति बनाने के लिए. नई दुनिया में पक्की प्रवृत्ति होगी. शी सर्टेनली हैज टू गो टू फॉर्म अ परफेक्ट हाउस होल्ड डजंट शी. विल देयर बी अ परफेक्ट हाउस होल्ड इन द न्यू वर्ल्ड? कि सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे? और विल देयर जस्ट बी सोल्स Who are brothers among each other? Student replies, Yes. पक्की प्रवृत्ति होती है आत्मा रूपी पुरुष. A perfect household is of the पुरुष meaning man like soul. और प्रकृति रूपी माता. And the प्रकृति meaning nature like mother. क्या? What? पुरुष और प्रकृति की जोड़ी है. It is the companionship of पुरुष and प्रकृति. परम पुरुष कौन है? शिव. Who is परम पुरुष? शिव. उसकी जोड़ी कौन हुई? Who is his companion? बताओ. Tell me. प्रजापिता. प्रजापिता. लेकिन प्रजापिता जब तक पिता है पुरुष है. But until प्रजापिता is a father, a पुरुष. तब तक जोड़ी थोड़ी कहेंगे. He can't be called a companion. इसलिए बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम क्या देता हूँ? This is why the father says, the one in whom I enter. What do I name him? Param Brahma, Brahma. Student replies, Yes, Param Brahma, Brahma. अव्वल नंबर का ब्रह्मा है तो परम ब्रह्म हो गया. When he is the number one Brahma, he is Param Brahma. तो वो परम ब्रह्म माने ही बड़े ते बड़ी माँ. So, Param Brahma itself means the most senior mother. इस सृष्टि की ऐसी माँ. That one is such a mother of this world. जिससे जास्ती सहन शक्ति वाली माँ कोई हो ही नहीं सकती. देर कैन बी नो मदर हु इज मोर टॉलरेंट देन हर एट ऑल. तो वो प्रजापिता वाली आत्मा को माँ पहले बनना पड़े. सो डज दैट सोल ऑफ प्रजापिता हैव टू बिकम अ मदर फर्स्ट?
कि बाप के घमंड में रहेगा पहले। और विल ही स्टे इन द ईगो ऑफ द फादर फर्स्ट? व्हाट? पहले क्या बनना पड़े? व्हाट विल ही हैव टू बिकम फर्स्ट? माँ बनना पड़े। ही विल हैव टू बिकम अ मदर। माँ क्या करेगी? सामना करने की ताकत वाली होगी। व्हाट विल अ मदर डू? विल अ मदर बी द वन हु हैज द पावर टू फेस? या सहन करने वाली होगी। और विल शी बी द वन हु टॉलरेट्स? है? हाँ, सामना करने की। स्टूडेंट रिप्लाइज, विल शी हैव द पावर टू फेस? हाँ, सहन करेगी। स्टूडेंट कमेंट्स, यस शी विल टॉलरेट। तो इसीलिए ये बताया 18 का टाइम नहीं हो सकता। दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट इट कांट बी द टाइम ऑफ 18। कितना टाइम बताया? व्हाट टाइम वाज मेंशनड? हाँ, 2019 का टाइम है। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस इट इज द टाइम ऑफ 2019। जिसमें उस आत्मा के लिए जो मनुष्य सृष्टि की बीज है वो 50 साल पूरे। When the 50 years of that soul, who is the seed of the human world, are completed. तो उसमें बताया कि वो भी प्रवृत्ति पक्की नहीं हुई। So it was said that too, it is in the perfect household. पक्की कब कहेंगे? When will it be called perfect? जब भाइयों का कनेक्शन है, पुरुषों का कनेक्शन, आत्मा आत्मा जो पुरुष है ना। When the connection of the brothers, the males, all the souls are males, aren't they? उनका कनेक्शन जन्म जन्मांतर के लिए कहाँ जुड़े? Where should their connection be made for many births? अपने कुल में। In their own clan. अपने कुल में कन्या दी जाती है। Is the maiden given in marriage in her own clan? है, पुरुष जो है वो अपने कुल में शादी करता है। Does a man marry someone from his own clan? के दूसरे कुल में शादी होती है। Or does he marry someone from another clan? दूसरे कुल में शादी होती है। He marries someone from another clan. तो सूर्यवंशियों का कनेक्शन चंद्रवंशियों से जुड़ता है। सो द कनेक्शन ऑफ द सूर्यवंशीज इज कनेक्टेड विद द चंद्रवंशीज। चंद्रवंश तो हो गया ब्रह्मा दादा लेखराज सोम। द चंद्रवंशीज ऑफ ब्रह्मा दादा लेखराज द मून। ज्ञान चंद्र द मून ऑफ नॉलेज। तो उनका जो कुल है उसमें जो चंद्रवंशी राधा है वहाँ कनेक्शन जुड़ता है। सो हिज क्लैन वेयर देयर इज द चंद्रवंशी राधा इट इज देयर दैट द कनेक्शन ऑफ द रुद्रमाला इज मेड। तब 2028-29 में जाकर के कहेंगे वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की राजधानी। इट इज देन इन 2028-29 दैट वी कैन से दैट इट इज द फर्म कैपिटल ऑफ द हाउस होल्ड पाथ। क्या? व्हाट? पक्की कैसे? हाउ इज इट फर्म? ये तो काम चलाऊ है। इज दिस अ सब्स्टिट्यूट? भाई माँ नहीं रही परिवार में। ब्रदर When the mother is no longer present in the house, तो बड़ी बहन माँ के समान है तो काम चला हुआ। The elder sister is equal to the mother, so is it a substitute? या पक्की प्रवृत्ति हो गई। और is it a perfect household? क्या कहेंगे? What will we call it? काम चला। A substitute. तो अभी जो दुनिया में भी सरकार चल रही है वो कैसी सरकार चल रही है? The government that is in power in the world today, what kind of government is it? काम चला हुआ सरकार बन रही है। पक्की सरकार होगी। इज इट बिकमिंग अ टेम्पररी गवर्नमेंट और इज इट अ परफेक्ट गवर्नमेंट? नहीं, वो पक्की सरकार तो 2029 के बाद ही बनेगी। नो द परफेक्ट गवर्नमेंट विल सर्टेनली बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर 2029। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला है, सिमिलरली द रुद्रमाला इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड। रुद्रगण है तो ब्राह्मण न? द रुद्रगण आर सर्टेनली ब्राह्मिन्स aren't they? शंकर को जनेऊ दिखाते कि नहीं? इज शंकर शोन वेयरिंग द सीक्रेट थ्रेड और नॉट? यज्ञोपवीत दिखाते कि नहीं? इज ही शोन वेयरिंग द यज्ञोपवीत और नॉट? स्टूडेंट रिप्लाइज, यस। तो ब्राह्मण हुआ ना? सो ही इज अ ब्राह्मिन इजंट ही? ब्राह्मण तो है। ही सर्टेनली अ ब्राह्मिन है। और ब्राह्मण चोटी है। एंड ही इज द ब्राह्मिन चोटी मीनिंग द हाइएस्ट टॉप नॉट ब्राह्मिन। चोटी का ब्राह्मण है। इज ही द ब्राह्मिन ऑफ द चोटी मीनिंग हाइएस्ट कैटेगरी? के थोड़ा नीचे वाला ब्राह्मण। और इज ही एन इन्फीरियर ब्राह्मिन? चोटी का ब्राह्मण। ही इज द ब्राह्मिन ऑफ द चोटी। तो बताया जो दिखाते हैं कि राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। सो इट वॉज सेड दैट इट इज शोन राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। राम क्या बनता है आखिरी? व्हाट डज राम बिकम अल्टीमेटली? नई दुनिया का संगठन बनने से पहले रुद्रमाला का जो संगठन बनता है एडवांस पार्टी का। बिफोर द गैदरिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज फॉर्म्ड
द गैदरिंग ऑफ द रुद्रमाला द एडवांस पार्टी दैट इज फॉर्म्ड जो एडवांस पार्टी युद्ध भूमि में आगे आगे भेजी जाती है कि बाद में इज द एडवांस पार्टी सेंट अहेड इन द बैटल फील्ड और इज इट सेंट बिहाइंड आगे भेजी जाती है एडवांस इट इज सेंट अहेड इन एडवांस तो वो राजधानी तैयार करती है ना सो दे प्रिपेयर द कैपिटल डोंट दे राजधानी तैयार करने के लिए युद्ध का फील्ड तैयार करती है ना दे प्रिपेयर द बैटल फील्ड फॉर द कैपिटल डोंट दे स्टूडेंट कमेंट्स यस तो युद्ध का फील्ड तैयार करने वाली जो आत्मा है राम के लिए क्या कहा सो व्हाट इज सेट फॉर राम द सोल हू प्रिपेयर्स द बैटल फील्ड राम क्या बनता है आखिरी व्हाट डज राम बिकम अल्टीमेटली रावण बनता है ही बिकम्स रावण हाँ स्टूडेंट कमेंट्स यस राम रावण बनता है तो जाएगा कि नहीं जाएगा राम बिकम्स रावण सो विल इट गो और नॉट अरे वो भी रावण पना उसका जाएगा कि नहीं जाएगा अरे विल द ट्रेड्स ऑफ बींग रावण गो और नॉट रावण पना भी जाएगा द ट्रेड्स ऑफ बींग रावण विल ऑल्सो गो राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार यस राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार इसलिए राम को संगम युग में नहीं गाया गया दिस इज वाई राम इज नीदर प्रेस्ड इन द कॉन्फ्लुएंस एज न सतयुग में गाया गया कहाँ गाया गया नॉर इन द गोल्डन एज वेर इज ही प्रेस्ड त्रेता युग में इन द सिल्वर एज क्योंकि बाप जो है ना इट इज बिकॉज द फादर बाप का धर्म क्या है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ फादर बच्चे को आगे करे इज इट टू कीप द चाइल्ड अहेड या खुद आगे हो जाए और इज इट टू गो अहेड हिमसेल्फ बच्चों को गद्दी पे बैठाते हैं खुद नीचे बैठ जाते हैं ही प्लेसेस द चिल्ड्रन ऑन द थ्रोन एंड ही हिमसेल्फ सिट्स डाउन तो ऐसे ही इसे षष्ठी रूपी रंगमंच में जब नई दुनिया तैयार होती है सिमिलरली व्हेन द न्यू वर्ल्ड इज क्रिएटेड ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड तो सतयुग में जो मनुष्य सृष्टि के बाप का पहला बच्चा है सोलह कला संपूर्ण श्री कृष्ण द वन हु इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इन द गोल्डन एज श्री कृष्ण कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज उसको आगे रखा सतयुग में है हेड ही दैट इज द फादर कीप्स हिम अहेड एज द हेड ऑफ द गोल्डन एज और खुद त्रेता में दिखाते हैं एंड ही हिमसेल्फ इज शोन इन द सिल्वर एज तो जाएंगे जरूर सो इट मीनिंग रावण स्टेट्स विल डेफिनेटली गो तो ऐसे नहीं कहते हैं कि रावण के ये सभी होते हैं इट इज इंट सेड दैट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू रावण है सभी नहीं होते हैं नॉट ऑल ऑफ देम बिलोंग टू रावण राम के नहीं होते हैं दे डोंट बिलोंग टू राम कोई न कोई तो राम के होंगे या नहीं होंगे विल देयर बी सम हु बिलोंग टू राम और नॉट है हाँ नहीं स्टूडेंट रिप्लाइज नो कहते हैं राम गयो रावण गयो इट इज सेड राम गयो रावण गयो यानी उस रावण का बहुत परिवार इट मीन्स दैट रावण हैड अ बिग फैमिली रावण का बहुत परिवार रावण हैड अ बिग फैमिली और राम का एंड व्हाट अबाउट राम बहुत परिवार उनका थोड़ा परिवार ही मीनिंग रावण हैड अ बिग फैमिली एंड ही मीनिंग राम हैड अ स्मॉल फैमिली किनका हु अरे रावण की सेना बहुत प्रिंटियन थी अरे वॉज रावण आर्मी वेरी बिग के राम की सेना बहुत थी और वॉज राम आर्मी बिग नहीं स्टूडेंट कमेंट्स नो तो जो अभी भी तुम देखते हो ना सो वॉट एवर यू सी राइट नाउ क्या वॉट तुम्हारी सेना पांडवों की सेना कम है इज द आर्मी ऑफ यू द पांडवा स्मॉल या कौरवों यादवों की सेना कम है और इज द आर्मी ऑफ द कौरवास एंड द यादवास स्मॉल कौरवों यादवों की जो रावण संप्रदाय की सेना है वो बहुत है द आर्मी ऑफ द कौरवास एंड द यादवास ऑफ दोज बिलोंगिंग टू रावण कम्युनिटी इज वेरी बिग तुम्हारा परिवार कितना छोटा है योर फैमिली इज सो स्मॉल क्या कहेंगे वॉट विल बी सेड सारा मिलकर के तुम ये चोटी बनते हो All of you combine and become this choti, meaning top knot. क्या कहा What was said? ये choti. This choti. क्या दिखाया है choti में What was shown in the choti? उस choti में दिखाया है कि choti में वो आठ मण के लिपटे हुए
द 8 बीट्स आर सेट अराउंड द चोटी. कितने? हाउ मेनी? 8. नौवा भी नहीं. 8, नॉट इवन 9. नौवा दिखाते हैं? नहीं. इज द 9th बीट शोन? नो. तो ये चोटी बनते हो. सो यू बिकम दिस चोटी. समझा ना? यू अंडरस्टूड डिडंट यू? सारे मिलकर के ये छोटी सी चोटी. All of you combine and become this small choti. अभी बताओ चोटी कितनी बड़ी? Now tell me, how big is the choti? और ये जो शरीर है जिसमें ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, ये कितना बड़ा है? And how big is this body, which includes the ज्ञान इंद्रियां as well as the कर्म इंद्रियां? ये तो बहुत बड़ा. It is certainly very big. तो सब खलास. So everything is destroyed. बड़ा सब खलास. Everything big is destroyed. छोटी जो है ब्राह्मणों की. The choti of the Brahmins. छोटी सी रखते हैं. Do they keep a small choti? या पहले जब ऋषि मुनि होते थे तो बड़ी मोटी छोटी रखते थे. Or did the sages and monks in ancient time keep a big thick choti? कैसी रखते हैं? आजकल कैसी रखते हैं? How did they keep it? How do they keep it nowadays? आजकल फुच्चिया. Nowadays, it is very small. Choti, Brahman choti, chutti, choti si reh gayi. The Brahmin choti has become very small nowadays. Aur pehle jab sato pradhan bhakti thi. And earlier, when bhakti was sato pradhan. To brahmano ki rishi muniyon ki choti bhi badi hoti thi. The choti of the Brahmins, the sages and monks was definitely big. To chota rakhte hain. So they keep a chota, a big top knot. बहुत बड़ी रखते हैं. They keep a very big choti. तो तुम्हारे लिए फिर गायन है जितना गऊ का खुर होता है ना, इतना खुर बराबर तुम्हारी वो चोटी होनी चाहिए. It is placed for you that your choti should be as big as a cow's hoof. गऊ का ये पाँव का गोल गोल इतना खुर. The round part of the cow's leg is called the hoof. इतना यहाँ गोल गोल रखते हैं. They keep a round tuft of hair as big as that here. हाँ, यहाँ बस. Here, that's it. तो वो चोटी होती है ब्राह्मण की. So, that is the choti of the Brahmins. कुछ पकड़ने में भी आवे. It should come in your grip. छोटी है तो कुछ पकड़ने में भी आवे ना. If it is a choti, you should also be able to hold it, shouldn't you? Yes. बड़ी भी होवे तो पकड़ने में आवे. If it is big, you should be able to hold it. तो ये तुम्हारा गायन है. So, this is a praise for you. है. अब आजकल हिंदुओं की चोटी तो अलग रहती है. The choti of the Hindus is different nowadays. कैसी? क्या अंतर? How is it? What is the difference? उनकी तो फुच्ची या चोटी, उसी में बस गांठ लगा देते हैं, शिवलिंग बनाए देते हैं. They keep a small choti. They just knot it and make a shivling. अरे हिंदुओं की चोटी अलग हो गई ना. अरे द चोटी ऑफ द हिंदूज हैज बिकम डिफरेंट हैजंट इट. और सिखों की चोटी? एंड द चोटी ऑफ द सिख्स? हाँ, सिखों की चोटी अलग रहती है. यस, द चोटी ऑफ द सिख्स इज डिफरेंट. तो तुम्हारी चोटी और तो सिखों की हो जाती है बड़ी. सो योर चोटी एंड द चोटी ऑफ द सिख्स इज बिग. कैसे? हाउ? सिखों की बड़ी कैसे हो जाती? Why is the choti of the Sikhs big? हाँ, उनका तो झोंटा होता है. Yes, they in fact have a झोंटा, meaning a big bun. छोटी छोटी होती है क्या? ऋषि मुनियों जैसी? नहीं. Is it a small choti like the sages and monks? No. उनकी बड़ी हो जाती है. Theirs is big. नहीं. Student comments. No. तुम्हारी छोटी का फिर वो गायन है गऊ के खुर के मिसल. It is placed for your choti that it is like the hoof of a cow. तो गऊ का कौन सा, कौन सी गऊ गाई हुई है? So which cow has been praised? है कामधेनु. कामधेनु. गाई हुई है कि नहीं? हाँ. Is she praised or not? Yes. तो गऊ के मिसल. So it is like that of a cow. आजकल तो देखो ये प्रजातंत्र राज्य में. Look, nowadays in the democratic rule. यथा राजा तथा पति. As is the king, so are the subjects. जो ये राज्य चल रहा है ना, विदेशी गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है ना. The rule that is prevalent, there is the rule of the foreign government.
isn't there? है? किसका कंट्रोल है? Whose control is it? ये प्रजातंत्र राज्य जो चल रहा है भारत में, द डेमोक्रेटिक रूल दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, इसमें कंट्रोल कौन से देश का चल रहा है? Which country controls it? अरे कोई देश है? अरे इज देयर एनी कंट्री दैट इज कंट्रोलिंग इंडिया? अमेरिका में कंट्रोल चल रहा है तेरे की नहीं। स्टूडेंट कमेंटेड, देयर इज द रूल ऑफ अमेरिका, हद तेरे की। एन एक्सप्रेशन ऑन हियरिंग एन अनएक्सपेक्टेड आंसर। यूरोप की महारानी आती है तो कोई पासपोर्ट बना करके नहीं आएगी। When the Queen of Europe, meaning England, comes, she doesn't make a passport. दिखाएगी नहीं, भले बनाएगी तो। She won't show it, even if she has one made. और कोई वीजा लेने की उनको दरकार नहीं। And it isn't necessary for her to have any visa. और यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अगर जाएगा? But even if the president or the prime minister from here goes there, what do they have to do? कहाँ? Where? यूरोप में, इंग्लैंड में। To Europe, England. तो उसको वीजा परमिशन वहाँ से लेनी पड़ी। तो कौन अधीन हुआ और कौन अधिकारी हुआ? He has to get a permission with a visa from there. So, who is subordinate and who is the ruler? क्या कहेंगे? What will be said? जिसको परमिशन लेनी पड़ती है वो अधीन हुआ। The one who has to ask for permission is subordinate. और जो परमिशन नहीं लेता है, स्वाधीन है, तो वो अधिकारी कहेंगे। And the one who doesn't need permission, who is self-dependent, will be called the ruler. तो उन्हीं का राज्य चल रहा है। So, there is definitely their rule. तो आज कल तो है ही नहीं चोटी, देखो ये प्रजातंत्र राज्य में। So look, there is no चोटी nowadays in this democratic rule. वो जो यूरोप के लोग होते हैं वो चोटी रखते हैं क्या? Do the Europeans keep a चोटी? और उनका राज्य भारत में चल रहा है। And there is their rule in India. तो भारतवासी उनको चोटी होगी? So will the Bharatvasis have a चोटी? होगी नहीं, उड़ाई दी। They won't. They have removed it. इस मोहल्ले में निकालने जाओ कितने परसेंटेज निकलेंगे जिनको चोटी होगी? If you survey your neighborhood, what percentage of people will have a चोटी? ना के बराबर। Next to nothing. ऐसे ही होगा ना? It will be like this, won't it? Yes. तो आजकल तो देखो इन हिंदुओं को चोटी है ही नहीं। So look, nowadays these Hindus don't have a choti at all. है कोई choti? Do they have a choti? आजकल तो रखाते ही नहीं है, ये तो सड़सठ की मुरली है। Nowadays they don't keep one at all. It is the मुरली of 67. अभी कितने साल हो गए? How many years have passed now? है? हाँ 52 साल हो गए। Yes, 52 years have passed. है? अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया होगा। There must have been a major change now. नहीं? नो no. उस समय की बात बताइए, उसी समय चोटी नहीं रखते थे, उड़ा दी बहुतों ने। द टॉपिक ऑफ दैट टाइम वॉज मेंशन्ड दैट दे डिडंट यूज टू कीप अ चोटी एट दैट वेरी टाइम, मेनी रिमूव्ड इट। नहीं तो आगे चोटी निशानी थी। अदरवाइज अ चोटी वर्क्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन अर्लियर। क्या? व्हाट? कि हम किसकी औलाद है? हूज प्रोजेनी आर वी? हम ब्राह्मण चोटी की औलाद। We are the progeny of the highest Brahmin. जो ब्राह्मणों में सबसे ऊंची चोटी। The one who is the highest चोटी among the Brahmins. चोटी माने शिखर। चोटी means peak. उसकी औलाद है। We are his progeny. चोटी के ब्राह्मण की औलाद है। We are the progeny of the highest Brahmin. तो क्यों ये निशानी थी? So why was there this indication? है? जनेऊ पहनते थे। They used to wear the sacred thread. वो क्या निशानी थी? What sign was that? वो भी तो ब्राह्मणों की निशानी थी ना? That was also the sign of Brahmins, wasn't it? Yes. जब हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लगती थी, When there was a war between the Hindus and the Muslims, तो ड्रेस तो लड़ाई में सभी एक ही जैसी पहन लेते हैं ना? Everyone wears identical clothes in war, don't they? है? मालूम कैसे पड़ेगी ये मुसलमान है और ये हिंदू है? How will we come to know that this one is a Muslim and this one is a Hindu? तो एक चोटी वाला है और दूसरा जनेऊ वाला। The Hindu has either a चोटी or wears a sacred thread. ये दिखाई पड़ेगी ना? It will be visible, won't it? अभी इस समय में
न चोटी है न जनेऊ है। नाउ देयर इज नीदर अ चोटी नॉर अ सेक्रेट थ्रेड एट दिस टाइम। हिंदुओं को ज्यादातर देखेंगे ब्राह्मण भी होंगे तो जनेऊ पहनते हैं क्या? हाँ जी। इफ यू सी द हिंदूज इवन इफ दे आर ब्राह्मिन्स मोस्टली डू दे वेयर द सेक्रेट थ्रेड? नो। अभी इस समय में दोनों नहीं, न चोटी न जनेऊ। नाउ एट दिस टाइम देयर इजंट ईदर ऑफ देम नीदर अ चोटी नॉर अ सेक्रेट थ्रेड। समझो कोई है, कोई एकदम पुराण खंडी होगा। सपोज देयर इज समवन हु इज वेरी ओल्ड फैशन्ड। कोई होते हैं ना ऐसे? हाँ। देयर आर सम पीपल लाइक दैट aren't there? Yes। तो कोई जनेऊ पहनता होगा। सो विल ही वेयर अ सेक्रेट थ्रेड? हाँ कोई कोई पहनता होगा पुराण खंडी। यस सम ओल्ड फैशन्ड पीपल मस्ट बी वेयरिंग इट। सो भी आजकल जनेऊ तो धागे के होते थे पहले। अर्लियर द सेक्रेट थ्रेड्स वर मेड आउट ऑफ थ्रेड्स। और आजकल जनेऊ? एंड व्हाट अबाउट द सेक्रेट थ्रेड दैट दे वेयर नाउअडेज? आजकल के जनेऊ तो वो नाउअडेज द सेक्रेट थ्रेड सोने की चेन पहनते, वो चेन। दे वेयर अ गोल्ड चेन, दैट चेन। पहनते कि नहीं? डू दे वेयर वन और नॉट? हाँ। स्टूडेंट रिप्लाइज यस। क्या समझ करके? व्हाट डू दे थिंक? ये हमारा जनेऊ है। अच्छा। दिस इज अवर सेक्रेट थ्रेड। अच्छा। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज शुक्रवार। 9th पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास ऑफ द डेट 24/11/1967 फ्राइडे। तो सोने की चैन को पहन लेते हैं जनेऊ समझ करके। सो दे वेयर अ गोल्ड चैन कंसिडरिंग इट टू बी अ सेक्रेट थ्रेड। तो ये सभी दिन प्रतिदिन निशानियाँ जो नई दुनिया बाप ने आकर के स्थापन की थी ओरिजिनल, वो सारी निशानियाँ गुम होती जाती है। सो ऑल दिस साइंस द साइंस ऑफ द ओरिजिनल न्यू वर्ल्ड दैट द फादर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर कमिंग आर गेटिंग लॉस्ट डे बाई डे। क्या? वॉट? ना वो चोटी रही और ना जनेऊ। देयर इज नीदर द चोटी नॉर द सेक्रेट थ्रेड एनी मोर। खान पान तो बदल ही गया। एंड द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स हैव सर्टेनली चेंज्ड। क्या? वॉट? कौन सा खान पान चल रहा है? विच ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स आर दे अडॉप्टिंग? अपने हाथ का घर में बनाया हुआ खान पान ज्यादा चल रहा है। आर दे अडॉप्टिंग द हैबिट ऑफ ईटिंग फूड कुक बाई देयर हैंड्स इन द हाउस? कि सब कुछ पैकेट बंद बाहर से आता है। और डू दे कंज्यूम एवरीथिंग दैट इज पैक्ड इन पैकेट्स आउटसाइड? सब कुछ पैकेट बंद बाहर से। दे कंज्यूम एवरीथिंग दैट इज पैक्ड इन पैकेट्स आउटसाइड। तो बाप ने जैसे समझाया ना कि ये जो वैष्णव वेजिटेरियंस कॉन्फ्रेंस आजकल हो रही है ना? जस्ट लाइक द फादर हैज एक्सप्लेन्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द वैष्णव्स द वेजिटेरियंस इज हेल्ड नाउअडेज इजंट इट? तो वो तो है सिंगल वेजिटेरियन। दे आर सर्टेनली सिंगल वेजिटेरियंस। क्या? व्हाट? और यहाँ तो डबल वेजिटेरियंस चाहिए ना बच्चे? एंड हियर डबल वेजिटेरियंस आर रिक्वायर्ड एंड द चिल्ड्रन। क्योंकि वेजिटेरियन? इट इज बिकॉज वेजिटेरियन। क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं ना तो वो मांस नहीं खाते, हिंसा। इट इज बिकॉज दोज हु आर वेजिटेरियंस डोंट ईट फ्लैश वायलेंस। पशु पक्षियों की हिंसा हिंसा नहीं करते। दे डोंट यूज वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो वो वेजिटेरियन है जो जानवर या वो कुछ खाते हैं क्या? सो दोज वेजिटेरियंस डू दे ईट एनिमल्स एटसेट्रा? क्योंकि उसमें हिंसा होती है तो नहीं खाते। इट इज बिकॉज देर इज वायलेंस इन्वॉल्व सो दे डोंट ईट देम। इसलिए अपन को वेजिटेरियन समझते हैं। दिस इज वाई दे कंसिडर देमसेल्व टू बी वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियन तो यहाँ बहुत हैं वैष्णव भी इस दुनिया में। यस सो देर आर मेनी वेजिटेरियंस एंड ऑल्सो वैष्णव हियर इन दिस वर्ल्ड। जो मंदिर वाले टिकाने वाले वल्लभाचार्य वो भी तो वैष्णव वेजिटेरियंस है ना? द वल्लभाचार्य ऑफ द टेम्पल्स पिलग्रिम प्लेसेस आर ऑल्सो वैष्णव वेजिटेरियंस aren't they? वल्लभाचार्य मीनिंग स्पिरिचुअल मास्टर। पर तुम बच्चे बनते हो डबल वेजिटेरियन। कैसे? बट यू चिल्ड्रन बिकम डबल वेजिटेरियंस हाउ? हम न स्थूल हिंसा करते हैं और न काम विकार की।
हिंसा करते हैं। We neither use physical violence nor the violence of the vice of lust. तो हम डबल हुए ना? So we are double vegetarians, aren't we? हुए कि नहीं? Are we or not? हाँ, double vegetarian. Student replies, Yes, we are double vegetarians. क्योंकि तुम जो ये जो काम कटारी हो, मूत पीने वाली है, भांड खाने वाली. It is because you, this dagger of lust of drinking urine, of eating dirt. कहा जाता है ना, भांड खाते हैं. It is said, isn't it? They eat dirt. नानक गुरु, गुरु तो है ही नहीं अभी. गुरु नानक, there isn't any guru present now at all. परंतु नानक क्या कहते? But what did नानक used to say? कहते हैं कि भाई ये सब भांड खाते हैं. He says, brother, all of them eat dirt. और कैसे खाते हैं? And how do they eat it? चोरी से खाते हैं या खुल के खाते हैं? Do they eat it secretly or publicly? बाल बच्चों के सामने. In front of their children. चोरी से खाते, असंख्य चोर हराम खोर. They eat it secretly. असंख्य चोर हराम खोर. Meaning, there are countless thieves who live on money wrongfully earned. ऐसे नानक कहते थे ना? नानक used to say this, didn't he? अभी तो वो गुरु नानक है ही नहीं. Now, that Guru Nanak isn't present at all. समझा? You have understood, haven't you? कितनी गालियाँ देते हैं, हाँ, असंख्य चोर हराम खोर. They insult people a lot saying, yes, असंख्य चोर हराम खोर. पापी, पाप. Sinful, sin. अभी हराम खोर कोई अच्छा आदमी बोलते हैं? Now, does a good person say the word हराम खोर? हाँ. Student replies, yes. तुम किसको कहो? If you tell someone, हराम खोर हो, चोरी करते हो. You are a हराम खोर, you steal. परिवार वालों से, समाज वालों से, चोरी करके वो काम करते हो. And you do that, hiding it from your family, from the society. तो एकदम बिगड़ पड़ेगा. Then he will become very angry. क्या? What? तो हमको हराम खोर कहते हो, चोर कहते हो. He will say, you call me हराम खोर, a thief. अभी गुरु नानक खुद कहते हैं असंख्य चोर हराम खोर. Now, गुरु नानक himself says, असंख्य चोर हराम खोर. तो वो गालियाँ देते हैं ना? So he insults everyone, doesn't he? तो गालियाँ जो देते हैं उनके ऊपर तो वो पत्थर मारने लग पड़ते. They start throwing stones at those who insult them. क्यों उनको? Why? है ना? They do, don't they? तो ये तो बाप सिद्ध करके बताते हैं कि भले उसने ये गाया है गुरु नानक ने. So the father proves it and tells us that although गुरु नानक has said असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य चोर हराम खोर, मूत पलीती कपड़ धोती, मूत पलीती कपड़ धोती, meaning cleaning the clothes dirty with urine, meaning the vice of lust. बाप आता है मूत पलीती कपड़ धोती करने के लिए. It is the father who comes to wash the clothes dirtied with urine. और तो इस दुनिया में सारे मूत पलीत है, होते रहते. Everyone in the world keeps becoming dirty with urine. तो गुरु अक्षर तो उनको कहा ही नहीं जावेगा. So the word guru won't be used for him at all. किनको? For whom? क्योंकि गुरु कहते हैं उनको जो सदगति करे. It is because the one who brings about true liberation is called guru. ये तो जो भी गुरु आते हैं या धर्म पिताएं आते हैं, ऑल दिस गुरुस और द रिलीजियस फादर्स हु कम, वो क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू? खुद मूत पलीती होते हैं. दे देमसेल्व्स बिकम डर्टी विद यूरिन. और अपने फॉलोअर्स को भी मूत पलीती बनाते हैं. सदगति करते हैं कि दुर्गति करते हैं? एंड दे मेक देयर फॉलोअर्स ऑल्सो डर्टी विद यूरिन. डू दे ब्रिंग अबाउट ट्रू लिबरेशन और डिग्रेडेशन? दुर्गति. They bring degradation. और जो भारतवासी देवी देवताओं की आत्माएं थी उनकी भी दुर्गति होती है. And the souls of the Bharatvasis, the deities also degrade. तो ये तो गुरु दुर्गति करते हैं ना बच्ची? So daughter, these gurus bring degradation, don't they? जब बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सदगति करता हूँ. When the father says, I bring about your true liberation. है? तो भला दुर्गति कौन करते हैं? Who brings degradation? हैं?
सिख लोग भी गाते हैं, एक सदगुरु निराकार सदगति करने वाला। द सिख्स ऑल्सो सिंग द वन इनकॉर्पोरियल सदगुरु ब्रिंग्स अबाउट ट्रू लिबरेशन। तो सदगुरु एक है तो बाकी गुरु क्या हुए? व्हेन देयर इज वन सदगुरु व्हाट आर द अदर गुरुज? दुर्गति करने वाले अनेक गुरु हो गए। द न्यूमरस गुरुज आर द वंस हु ब्रिंग अबाउट डिग्रेडेशन। फिर दुर्गति वो ही करते हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। इट इज दे हु कंसीडर गॉड टू बी ओमनी प्रेजेंट हु ब्रिंग अबाउट डिग्रेडेशन। मेरे में भी है तेरे में भी है। दे से ही इज इन मी एज वेल एज यू। कहाँ कहाँ में है? ही इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल। है पशु पक्षियों में सब में है। ही इज प्रेजेंट इन एनिमल्स बर्ड्स एवरीथिंग। सब भगवान की अवतार। एवरीवन इज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। तो वो तो मनुष्य कहते हैं ना बच्ची। सो डॉक्टर दोज ह्यूमन बींग्स डू से दिस डोंट दे। और वो कौन कहते हैं भगवान सर्वव्यापी? एंड हु सेज गॉड इज ओमनीप्रेजेंट? साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वो कहते हैं। सेजेस सेंट्स नोबल मैन हर्मिट्स मॉन्क्स सेड। आगे नहीं कहते थे बच्चे? चिल्ड्रन दे डिडंट यूज टू से इट अर्लियर। आगे माने? व्हाट डज अर्लियर मीन? जब द्वापर युग शुरू हुआ ना। व्हेन द कॉपर एज बिगैन। पहले पहले सत्व प्रधान शास्त्र बनाए गए थे ना। व्हेन द सत्व प्रधान स्क्रिप्चर्स वर मेड फर्स्ट। तो उनमें शास्त्रों में जो पहले पहले ऋग्वेद बनाना। द ऋग्वेद वॉज मेड फर्स्ट अमंग दोज स्क्रिप्चर्स वॉजंट इट? तो उसमें और गीता में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी। इट इज नो वेयर मेंशन्ड इन दैट एंड इन द गीता दैट आई एम ओमनीप्रेजेंट। अरे गीता में तो चित्र ही दिखाई दिया, मैं किस में आता हूँ? अरे इवन ए पिक्चर हैज बीन शोन इन द गीता डिपिक्टिंग इन हुम आई कम। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आता हूँ। आई कम इन द चैरियट लाइक बॉडी ऑफ अर्जुन। क्यों देरों के रथ में आता हूँ? और डू आई कम इन द चैरियट ऑफ मेनी? किसे में आता हूँ? इन हुम डू आई कम? एक के रथ में आता हूँ या अनेकों के रथ में आता हूँ? डू आई कम इन द चैरियट ऑफ द वन और मेनी? पांच पांडव के रथ में आता हूँ क्या? नहीं। डू आई कम इन द चैरियट ऑफ द फाइव पांडवास? नो। तो आगे नहीं कहते थे। सो दे डिडंट यूज टू से इट अर्लियर। और ये बात शास्त्रों में आई भी है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज मेंशन्ड इवन इन द स्क्रिप्चर्स। हे परमपिता परमात्मा, हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं कहते थे। ओ सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल वी डिडंट यूज टू कॉल यू ओमनीप्रेजेंट अर्लियर। अब क्या मानने लगे? नाउ What have we started believing now? अब सर्वव्यापी मानने लगे। Now we have started believing that you are omnipresent. तो ये अभी कहते हैं कि ये भगवान सर्वव्यापी है। It is now that they say that this God is omnipresent. ओम शांति। ओम शांति।